अविश्वास के कारण हम घोसी का चुनाव हारे थे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। बहराइच में रविवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर जनपद पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं का संवाद किया। उन्होंने 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यकर्ताओं में पदाधिकारी द्वारा उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद जलादेव समेत भाजपा के कई विधायक मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब होने के दौरान उन्होंने कहा कि बेशक हम घोसी का उपचुनाव हारे हैं, इस हार का कारण हमारा अति आत्मविश्वास था। हम हार की समीक्षा कर रहे, हार और जीत से ज्यादा अंतर नहीं होता। उन्होंने कहा कि जब पिछली बार हम दो सीटें हारे थे तो समाजवादी पार्टी फूले नहीं समा रही थी, वहीं गुब्बारे की तरह फूल गई थी, लेकिन 2022 में जनता ने उनकी हवा निकालने का काम किया था। घोषित चुनाव की जीत को लेकर समाजवादी पार्टी फूले नहीं समा रही, वो गुब्बारे की तरह फूल चुकी है। जनता फिर से उनकी हवा निकालने का कार्य करेगी। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और हरियाली रिजॉर्ट में राष्ट्रीय जायसवाल सम्मेलन में भी शिरकत की। वंदे भारत से नवेद खान की रिपोर्ट। शिवराज चौहान ने यह कहा है कि मैं 450 का गैस अपनी जनता को दूंगा, तो क्या उनके नक्शे कदम पे क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी चलेगी? यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, हम जन गरीबों के हित के लिए जो भी काम कर सकते हैं हर वह काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं, हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, गांव हो या शहर हो सबका साथ सबका विकास के लिए। सर, आपके सहयोगी पार्टी ओपी राजभर ने कहा है कि भले ही हम हार गए हैं लेकिन हम और दारा सिंह चौहान मंत्री जरूर बनेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, यह सच है कि हम लोग घोसी का चुनाव हारे हैं, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं और हार की समीक्षा पार्टी करेगी और निश्चित तौर से हम लोकसभा मऊ में कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहां जीतेगा। अभी चुनाव में थोड़ा हम लोगों को भी अति आत्मविश्वास था जिसके कारण जरूर हारे हैं, लेकिन हार को जीत में बदलने में देर नहीं लगती। हम लोकसभा का जब योगी आदित्यनाथ जी की सीट गोरखपुर छोड़े थे, जब मेरी लोकसभा सीट फूलपुर छोड़े थे, तब दोनों सीटें हम लोग हार गए थे, तो समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूल गई थी, तो अभी वो गुब्बारे की तरह फूली हुई है। जनता एक कोई स्विच होएगी, हवा निकल जाएगी और कमल खिल जाएगा। क्या पार्टी में कुछ बगावत भी है जो आपके एनडीए घटक दल में? कोई बगावत नहीं, भाजपा गठबंधन ताकत के साथ खड़ा था।